सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आज हम रिव्यू करने वाले हैं MSI गेमिंग मॉनिटर का। सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय MSI। सो गाइस, चलो देखते हैं आज इस मॉनिटर को। आफ्टर अनबॉक्सिंग हम बात करते हैं मॉनिटर के बारे में। सो बेसिकली दिस इज G2422 मॉनिटर और यहाँ पर हमको मिलता है 170 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, IPS पैनल। इस मॉनिटर के ऊपर आप 1080p लेवल की गेमिंग बहुत आराम से कर सकते हो। 170 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तुमको बिल्कुल भी गेमिंग में लैग फील नहीं कराएगा और भाई तुम्हारी गेम ना बिल्कुल स्मूथ चलेगी। अगर तुम ई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो, पबजी या तुम वैलोरेंट जैसी गेम्स खेलते हो। और गाइस, इसके साइज की बात करें तो भाई ये 24 इंच का है, मतलब 27 इंच थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है और 22 इंच थोड़ा लो लगता है। तो मतलब 24 इंच है ना, वो एकदम परफेक्ट रहता है। ई स्पोर्ट्स गेम के लिए भी काफ़ी परफेक्ट रहता है और नॉर्मल गेम्स के लिए GTA 5, गॉड ऑफ वॉर या फिर अगर तुम गेमिंग करना चाहते हो तो भाई मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। और हम बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो यार बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ज्यादा ऑसम है। बात करें इसके एजेस की, एज यू कैन सी दिस इज अ प्रीटी गुड एज टू एज मॉनिटर, जो इसके बेजल्स है इतने ज्यादा नहीं है एंड ये हाइट एडजस्टेबल नहीं है। यू कैन नॉट एडजस्ट द हाइट, बस तुम इसे स्विवल कर सकते हो अपने एंगल के हिसाब से। सो तुम इसे टिल्ट लेफ्ट टू राइट नहीं कर सकते। अगर हम इसकी वारंटी की बात करें तो 3 इयर्स की वारंटी मिलती है तुम्हें MSI से ऑफिशियली। गाइस, इसके साथ हमको डिस्प्ले केवल मिलती है और उस केवल के साथ ये 170 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आराम से चल जाएगा। सो गाइस, इसके साथ हमको 2 HDMI पोर्ट मिलती है, 1 डिस्प्ले पोर्ट मिलता है, 1 हमको स्पीकर पोर्ट मिलता है, 1 हमको पावर पोर्ट मिलता है। इस मॉनिटर के साथ हमको IPS पैनल मिलता है और IPS, और जिन लोगों को नहीं पता IPS पैनल के बारे में तो मैं उन लोगों को बता दूं कि IPS पैनल VA पैनल से बेटर होता है। मेरे पास पहले 60 हर्ट्ज का मॉनिटर था और ये है 170 हर्ट्ज का मॉनिटर। और भाई 60 हर्ट्ज और 170 हर्ट्ज में ना बहुत डिफरेंस आ जाता है गेमिंग के बीच में। मतलब अगर आप ई स्पोर्ट लेवल की गेमिंग करते हो, जैसे पबजी और वैलोरेंट जैसी गेम्स खेलते हो ना, तो उसके अंदर हाई रिफ्रेश रेट काफी मैटर करता है। तो यार रिफ्रेश रेट के मामले में तो बिल्कुल सही है। अगर हम कॉन्सोल की बात करें, अगर तुम कॉन्सोल लगाते हो इस पे तो 120 हर्ट्ज 1080p तक गेमिंग के सपोर्ट करता है। 170 हर्ट्ज उस पे सपोर्टेड नहीं होगा। क्वालिटी में आई वुड रेट इट रियली गुड। वैसे भी मॉनिटर्स को तुम्हें मूव नहीं करना पड़ता, इट्स नॉट लाइक लैपटॉप्स की तुम लेके जा रहे हो, तुम्हें बिल्ड क्वालिटी का इतना फर्क पड़ेगा एंड एज कम्पेयर टू अदर मॉनिटर्स इन दिस सेगमेंट, बिकॉज वी हैव बीन यूजिंग हाई एंड मॉनिटर्स, हमारे लिए बहुत बजटेड मॉनिटर है। अगर तुम एक स्टार्टिंग लाइक इफ यू आर अ न्यू गेमर या नया PC बिल्डर तुम पे, इफ यू आर जस्ट कमिंग इन टू द PC सेगमेंट और पार्ट्स वगैरह, तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट मॉनिटर यू विल हैव एंड देयर इज गोना बी नो इश्यूज। इसके बैक पैनल पे भी इट्स ऑल मैट, तो ग्लॉसी कुछ ज़्यादा है नहीं कि स्क्रैचेस वगैरह आ जाएंगे, प्लास्टिक ही है बट मैट है, सो दैट इज़ गुड थिंग। जो कि इसका पैनल है दैट इज़ एंटी ग्लेयर, एज यू कैन सी देयर इज़ अ बिग स्टूडियो लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, फिर भी इसका पैनल मैट है, एंटी ग्लेयर है, तो तुम्हें इतना रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा, सो दैट इज़ अ गुड थिंग कि रिफ्लेक्शंस को मिनिमाइज कर देगा है। अगर हम बात करें इसकी रेशियो की, दिस इज नॉट अल्ट्रा वाइड, 16:9 है एंड इसकी ब्राइटनेस है 250 निट्स है। वैसे ही मोस्टली गेमर्स को इतनी ब्राइटनेस की जरूरत नहीं पड़ती है और गोना बी इन अ डार्क लेट एनवायरमेंट, तो e-sports या घंटों घंटों गेमिंग कर रहे हो। अगर तुम इसको विंडो के साइड भी रखोगे तो तुम्हें 70-80% ब्राइटनेस रखनी पड़ेगी या इवन 100%, बट रात को वी केप दिस मॉनिटर एट अराउंड 20-30% ब्राइटनेस और डे लाइट में वी केप्ट इट एट 50%, सो द ब्राइटनेस इज प्रेटी गुड। करें इसके फ्री सिंक की, फ्री सिंक प्रीमियम का सपोर्ट मिलता है, जी सिंक का सपोर्ट तुम्हें नहीं मिल रहा है, बट 10,000 rupees में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि तुम्हें जी सिंक का सपोर्ट मिलेगा। सो गाइस, अगर आप इस मॉनिटर के अंदर एडिटिंग करना चाहते हो तो इसके sRGB कलर्स और एडोब कलर्स काफी अच्छे हैं। Edited the videos on this monitor. In fact, this video also will edit on this monitor. So you can see the colors and color grading. तुम इस पे कर सकते हो. It's all configurable. Power button तुम्हें नीचे मिलता है. There's a single power button. तो तुम इसे off and on कर सकते हो. Center में MSI का logo है. Basically अगर हम PC build करते हैं, मतलब अगर हम high level का PC build करते हैं, तो हमको monitor पे भी यार expand करनी चाहिए.
मतलब ये नहीं कि हमने अच्छा खासा पीसी बिल्ड कर लिया और उसके साथ हम भाई 60 हर्ट्ज का मॉनिटर अटैच कर देते हैं, तो भाई वो पूरी परफॉर्मेंस होती है ना मॉनिटर की, कि वो मॉनिटर पे हम देख ही नहीं पाते और गेमिंग में भी वो हमको इतना फील नहीं हो पाता क्योंकि भाई वो 60 हर्ट्ज पे ही चलता रहता है। तो भाई मॉनिटर पे भी हमको एक्सपेंड करने चाहिए। एंड गाइस इसके अंदर एंटी फ्लिकर टेक्नोलॉजी है, तो यार आपको ना बिल्कुल भी फ्लिकरिंग नहीं दिखेगी। मॉनिटर की ब्राइटनेस मतलब कम करते हैं ना तो लाइंस वगैरह शो करती है, तो यार वो लाइंस हमको शो नहीं करेगी। मतलब बेसिकली ये HDR सपोर्टेड नहीं है और इसके अंदर ना हमको 8 बिट का सपोर्ट मिलता है, मतलब 10 बिट का सपोर्ट नहीं मिलता है। पर यार फिर भी इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से अगर हम देखें ना बिल्कुल सही है, मतलब बिल्कुल कलर वगैरह अपने को बिल्कुल सही देखने को मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि हमको भाई HDR का सपोर्ट नहीं मिलता तो हमको कलर्स वगैरह बिल्कुल भी अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। HDR और 10 बिट हो गया ना, ये सब ना हमको हाई लेवल के मॉनिटर्स में ही देखने को मिलते हैं। मतलब जैसे 2K या 4K लेवल के मॉनिटर्स हो गए ना, उसी के अंदर हमको ये सब चीजें देखने को मिलती है और एक बजट सेगमेंट के अंदर हम ये सब चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच MSI फॉर स्पॉन्सरिंग दिस मॉनिटर। और यार मैं आप लोगों को बताऊं तो जितने भी मैंने अभी रिव्यू बताए ना इस मॉनिटर के बारे में, वो सारे मेरे खुद के एक्सपीरियंस थे। मतलब मैंने इस मॉनिटर को करके देखा और उसके बाद मैंने आप सभी को ये सारे रिव्यूज बताए हैं। मतलब यार काफी सही मॉनिटर है गाइस। अगर आपको ये मॉनिटर बाय करना है तो मैंने SMC का Amazon एंड Flipkart का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, जल्दी से जाके बाय करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देयर बाय बाय।